अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जब बनी थी तो वो लोकपाल के नाम पे बनी थी। अन्ना हजारे का मूवमेंट लोकपाल के नाम पे हुआ था। आज 14 फरवरी 2014 को अरविंद केजरीवाल ने जब डिसोल्यूशन हाउस के लिए रिक्वेस्ट करी थी, कांग्रेस की सपोर्ट पे सरकार बना रहे थे, तो लोकपाल के नाम पे किया था। आज 9 वर्ष हो गए, केजरीवाल जी हम आपसे पूछना चाहते हैं वेयर इज लोकपाल, लोकपाल कहां है मिस्टर केजरीवाल, वेयर इज लोकपाल। ये इसलिए पूछना जरूरी है कि आज जब केजरीवाल के ऊपर, उनके मंत्रिमंडल के ऊपर भ्रष्टाचार के चार्जेस लग रहे हैं तो कौन इंक्वायरी करेगा। दिल्ली के अंदर शीला जी ने लोक आयुक्त स्थापित करी थी, लोक आयुक्त की आखिरी एनुअल रिपोर्ट 2017 के अंदर केजरीवाल लेकर के आए। लोक आयुक्त के पास में डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन आज नहीं है, लोक आयुक्त के पास में अपने पीएन, अपने ऑफिस के स्टाफ नहीं है, केजरीवाल उनको वो तक नहीं दे रहे। आज केजरीवाल जी हम आपसे पूछना चाहते हैं, नए लोकपाल को लाने की बात तो दूर, पुराने लोक आयुक्त भी जो कांग्रेस के समय पे बनाया गया था उसको भी आपने पंगू कर दिया, तो ये क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ाई लड़ी जा रही है। आज शराब घोटाले के अंदर केजरीवाल का नाम, मनीष सिसोदिया का नाम, सत्येंद्र जैन का नाम एस्टैब्लिश हो गया, मनी ट्रेल तक के एस्टैब्लिश हो गया है। गोवा के चुनाव के अंदर इन सब लोगों ने दिल्ली से निकाले गए पैसे, शराब घोटाले के अंदर खर्च किए गए पैसे, निकाले गए पैसे इन लोगों ने आज पूरे के पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ में लगाया। दुख की बात यह है कि वही अरविंद केजरीवाल, भ्रष्टाचार के नाम पे जन्मी हुई पार्टी, आज भ्रष्टाचार में लिप्त है, लोकपाल भूल गए हैं, दिल्ली के अंदर पहले से स्थापित लोक आयुक्त को कमजोर कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इनका इस्तीफा मांगती है, इनके मंत्रियों का इस्तीफा मांगती है, कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि ये लोग एक सेकेंड भी अपने पद पे रहे। धन्यवाद।